जैसे ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि किसी का भी लाइट बिल माफ नहीं किया जाएगा, तो माफ करें ऊर्जा मंत्री जी, आप सरकार है साहूकार नहीं है। जनता की समस्या के तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा। जनता ने आपको सत्ता में बिठाया है, आप जनता के नौकर है, आप जनता के मालिक नहीं है। हमने जो आपसे मांग की है कि गरीबी रेखा के नीचे के लोग, दुर्बल घटक लोग, मजदूरी करने वाले लोग, छोटे छोटे धंधे करने वाले लोग, ये सबका लाइट बिल आपको माफ़ करना पड़ेगा। और अगर आप माफ़ नहीं करते तो उसके परिणाम आपको भुगतना पड़ेंगे। अगर से आपका डिस्कनेक्ट होता है तो लोक विकास परिषद आपके साथ खड़ी है। आकार के सामने हम झुकेंगे नहीं। सरकार को अपनी आदत बदलना पड़ेगी, सरकार को लोगों के बिल माफ करना पड़ेंगे। उस वक्त तक लोक विकास परिषद खामोश नहीं बैठेंगी। हे निवेदन तर आपण ऊर्जा मंत्र्यांना देतोय, तुमच्या मार्फत आम्ही तिकडे पाठवतोय। तुमच्याकडे विनंती अशी आहे की जोपर्यंत ऊर्जा मंत्रीचा निर्णय येत नाही तोपर्यंत आपण आदेशित करावे की कोणाचाही विद्युत पुरवठा खंडित करू नये। कारण की आपल्याला माहित आहे 2 वर्षापासून जवळपास लोक कामाला जात आहे, पोलीस त्यांना दांडुके मारून घरात पाठवतात। लोक दुकान उघडण्यासाठी बाहेर निघतात, पोलीस त्यांना घरात पाठवतात। सध्या लोकांची परिस्थिती हलाकीची असल्यामुळे बिल भरण्याची कुवत दुर्बल घटकाकडे राहिलेलं नाही आणि छोटे व्यावसायिकसुद्धा परेशान। तर आपल्याला अशी विनंती करतो मी लोक विकास परिषदेच्या माध्यमातून की आपण स्वतः औरंगाबादमध्ये हे आदेशित करावे की जोपर्यंत शासनाचा निर्णय येत नाही तोपर्यंत कुणाचाही विशेषतः दुर्बल घटकांचा आणि छोटे व्यावसायिकांचा विद्युत पुरवठा खंडित करू नये अशी तुम्हाला विनंती करतो। आपण मंत्री महोदयांच्या नावाने जे पत्र दिले ते पुढील कारवाईसाठी वर पाठवण्याची, यापूर्वी शासनाने वीज बिल सवलतीने भरण्याची योजना दिली होती, त्याचा भरपूर लोकांनी लाभ घेतलेला आहे। बहुतेक लोक वीज बिल भरत आहेत आणि कंपनीच्या नियमानुसार थकीत बिल असेल तर वीज पुरवठा खंडितच होईल जोपर्यंत शासनाचा निर्णय येणार नाही। जे लोक शासनाचा निर्णय येईल त्याची अंमलबजावणी केली जाईल, पण आज तरी वीज बिल न भरण्याबाबतची कुठलीही सवलत देण्याची सूचना या कार्यालयास नाही। तर आता तुम्हाला दुसरी सूचना अशी आहे की गोरगरिबांचा दुर्बल घटकांचा विद्युत पुरवठा खंडित केल्यास लोक विकास परिषद तो विद्युत आपण खंडित केलेला विद्युत पुरवठा पूर्ववत सुरू करेल आणि होणाऱ्या परिणामाची जबाबदारी मग तुमची राहील। आम्ही आत्ता तुमच्या प्रत्येक सबस्टेशनला निवेदन देणार आहे की दुर्बल घटकातील लोकांचा पुरवठा खंडित करू नये, आणि आपण खंडित केला तर आम्ही सुरू करणार आहे। मग कायदेशीर आपल्याला जी पण कारवाई करायची असेल ती आपण करा। आज हमने औरंगाबाद शहर मुख्य अभियंता श्री खंदारे साहब, इनको हमने निवेदन दिया, इनके मार्फत इनके ज़रिए से ऊर्जा मंत्री को हमने एक पत्र भेजा जिसमें हमने ये बताया कि जैसे ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि किसी का भी लाइट बिल माफ़ नहीं किया जाएगा, तो माफ़ करें ऊर्जा मंत्री जी, आप सरकार है साहूकार नहीं है। जनता की समस्या के तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा। जनता ने आपको सत्ता में बिठाया है, आप जनता के नौकर है, आप जनता के मालिक नहीं है। हमने जो आपसे मांग की है
के गरीबी रेखा के नीचे के लोग, दुर्बल घटक लोग, मजदूरी करने वाले लोग, छोटे छोटे धंधे करने वाले लोग, ये सबका लाइट बिल आपको माफ़ करना पड़ेगा। और अगर आप माफ़ नहीं करते तो उसके परिणाम आपको भुगतना पड़ेंगे। आपके माध्यम से हम जनता से ये अपील करते हैं कि आपके मोहल्ले में अगर लाइट वाले आते हैं, लाइनमैन आते हैं और आपका डिसकनेक्शन करना चाहते हैं और आपका डिसकनेक्ट अगर वो करते हैं तो आप उनका विरोध कीजिए। जो भी भाषा उनको समझती, जो भी जबान उनको समझती, उस जबान में उनका विरोध कीजिए। और फिर भी अगर से आपका डिसकनेक्ट होता है तो लोक विकास परिषद आपके साथ खड़ी है। आपका डिसकनेक्शन होने के बाद आप लोक विकास परिषद कार्यालय पर संपर्क करें, आपका डिसकनेक्शन वापस फिर से शुरू कर दिया जाएगा, ये हमारा वादा है। अभी आपने खंडर साहब से कहा है कि आप जब काटेंगे तो वो जो आप जोड़ देंगे, तो आपके पास क्या अच्छे लोग हैं जोड़ने वाले? हमारी पूरी यंत्रणा तैयार है। हमने 20-25 लोग जो है तो जो खंभे पे चढ़कर लाइन चालू कर सकते हैं, ऐसे 20-25 लोगों की यंत्रणा हमने तैयार कर रखी है। और जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ेगी हमारे लोग जाएंगे और लाइन वापस चालू कर देंगे खंभे पे चढ़ के। अगर से ये तो काम हम जारी रखेंगे, ये तो काम अगर से ये विद्युत पुरवठा खंडित करते हैं तो उसको पूर्ववत करने का काम तो हम करेंगे ही। लेकिन अभी बहुत जल्दी जैसे ही ये कोरोना की पाबंदियाँ हटती है तो इसके बाद हम बहुत बड़े तौर पर रास्ता रोको आंदोलन करेंगे यहाँ मिल कॉर्नर के बाहर भी। और उसके बावजूद भी अगर नहीं होता है तो औरंगाबाद में हम किसी भी नेता के बंदी को प्रोहिबिटेड कर देंगे, उनको औरंगाबाद में घूमने नहीं देंगे। जनता के लिए जो भी हो सका वो हम करेंगे, उससे ज़्यादा करेंगे। हम जेल जाना चाहते हैं जनता के लिए तो हम ये मामले में जेल भी चले जाएंगे। सरकार से हम डरेंगे नहीं, सरकार के सामने हम झुकेंगे नहीं। सरकार को अपनी आदत बदलना पड़ेगी, सरकार को लोगों के बिल माफ़ करना पड़ेंगे। उस वक्त तक लोक विकास परिषद खामोश नहीं बैठेंगी। आज मेरे साथ में जो है तो लोक विकास परिषद के महासचिव जनाब हाफिज मुश्ताक साहब, मराठवाड़ा अध्यक्ष श्री सचिन गाड़े साहब, मराठवाड़ा उपाध्यक्ष आइनोद्दीन साहब, जावेद चाऊ साहब शहर अध्यक्ष, शहर उपाध्यक्ष ससाने साहब, शहर उपाध्यक्ष मध्य नदीम खान, आसिफ अंसारी शहर अध्यक्ष पश्चिम, मोहसिन खान, सागर रगड़े, योगेश, इस तरीके से हमारे जिम्मेदारान आज मेरे साथ यहाँ आए हैं। और हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो ये सब लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने एरिए में मोर्चा बंदी करेंगे। जागतिक महामारी कोरोना काळात ग्लोबली सर्वांनी आफ्रिकन कंट्रीजनं 13 देशांमध्ये त्यांच्या ग्राहकांना वीज पुरवठा त्याच्यामध्ये सवलती दिल्यात। दिल्ली सरकारने माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल साहेबांनी तिथल्या जनतेला इलेक्ट्रिसिटी बिलमध्ये वेवर दिलं, ते महाराष्ट्र शासन महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट या ग्राहकांना सवलती का देऊ शकत नाही? जर या सवलती देऊ शकत नाही तर हा जनतेचा आक्रोश, या जनतेचा बंड त्यांना पूर्णपणे बघावं लागेल। जनता रस्त्यावरती येईल, बंड करेल आणि याचाही जबाबदार फक्त शासन आणि महाराष्ट्र शासन राहील। माझं नाव सागर रगडे, युवा जिल्हाध्यक्ष लोक विकास परिषद।